अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ दही वाले बैंगन की। एंड आई मस्ट से कि अगर आपको बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त खट्टे खट्टे और बहुत ही यम्मी बनके रेडी हुए थे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं पैन में हाफ कप ऑयल ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई हरी मिर्च ऐड की है। तो हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और अब 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर। इन चीज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि हम दही में भी सॉल्ट ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितनी सिंपल सी इसकी सीजनिंग थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। ना इसमें प्याज ऐड करने की ज़रूरत है और ना ही टमाटर। और मैं इसको हल्का सा पानी ऐड करके थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस भुन जाएँ और इनका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए स्पाइसेस हमारे भुन चुके हैं और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब यहाँ मैंने 1/2 kg बैंगन लिए हैं और इसे मैं इस तरह से डायगोनल कट कर लूँगी। तो ये देखिए बैंगन हमारे कट हो चुके हैं और अब मैं इस पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। और एक पैन में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था और अब हम इसे अच्छी तरह से शैलो फ्राई करेंगे। और क्योंकि बैंगन हमें इसी में कुक करना है ऑयल में ही, तो अच्छी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए बैंगन में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। और अब मैंने यहाँ 1/2 kg दही लिया है और मेक श्योर कि दही में ज़्यादा पानी ना हो। और अच्छी तरह से विस्क करने के बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी। तो अब सबसे पहले हम यहाँ सर्विंग डिश ले लेंगे और अब जो मसाले हमने भून के रखे थे वो 1 टेबल स्पून इसमें अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। और अब इस पे हम फ्राइड बैंगन ऐड करेंगे। और अब जो आपने दही प्रिपेयर करके रखा होगा वो इस पे स्प्रेड कीजिएगा। एंड बिलीव मी, ये किसी भी टाइप के गोश्त को बीट कर सकता है। और आप इस रेसिपी को आई मस्ट से के ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप बैंगन को इस स्टाइल से बनाएंगे तो आप किसी भी टाइप के गोश्त को भूल जाएंगे और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई मस्ट। तो बस आप भी इस तरह से इस प्रोसेस को 3 दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए अब हमारी सारी लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब जिस पैन में मैंने बैंगन को फ्राई किया था उसी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल छोड़ दिया था
और मैं इसमें 4 बटन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ जो होल चिलीज़ होती हैं। और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून रायदाना ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ज़ीरा। और अब जैसे ही ये क्रैकल करेगा तो हम इसके ऊपर ये बघार लगा देंगे और ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। और आप इसे चपाती या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।